क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो cos a और tan a के मान ज्ञात करनी है। तो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर हम देखेंगे तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो हमने लंब कितना ले लिया 3 और कर्ण लेंगे 4। अब हमको आधार ज्ञात करना है, अब आधार कितना है ए बी, और ए बी हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से सबसे बड़ी साइड यानी ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखेंगे ए सी का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, और ए बी का मान निकालना है तो एस स्क्वायर, और बी सी का मान निकालना है 3 स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 बराबर एस स्क्वायर और प्लस 3 का 9। तो क्या करेंगे, 9 को ट्रांसफर करेंगे तो 16 माइनस 9 इक्वल टू एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर इक्वल टू 7। तो एस स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा एक्स इक्वल टू रूट 7। अब हमने क्या किया कि हमने आधार ए बी निकाला और इसका मान आया रूट 7। अब हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना है कॉस ए का मान, और कॉस ए का मान निकालने का फार्मूला लगाएंगे कॉस ए इक्वल टू आधार बटे कर्ण। लाल बटे कक्का से देखेंगे आधार बटे कर्ण, और आधार कितना है रूट 7 और कर्ण हमारा कितना है 4। तो कॉस ए की वैल्यू निकल के आई अंडर रूट 7 अपॉन 4। इसी प्रकार से हम टेन ए की वैल्यू निकालेंगे, टेन ए इक्वल टू लंब बटे आधार, और लंब कितना है बेटा 3, और आधार कितना है रूट 7। इस प्रकार से हमने साइन ए की वैल्यू दी थी 3/4 जो कि लंब और कर्ण थी। तो हमने लंब को कितना माना था 3 और कर्ण हमारा दिया था 4। रख के यहाँ से आधार ए बी निकाला, आधार ए बी हमारा निकला रूट 7 पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। इस प्रकार से हमने ए सी निकाला, और उसके बाद हमने कॉस ए निकाला, और फिर टेन ए। कैसे लिख लिया तो